हेलो गाइस, मैं हूं ऐसे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत। हेलो गाइस, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीजन 3 के अंत में होने के बाद सीजन 3 के स्टार्टिंग में क्या हो सकता है और क्या होगा। सीजन 3 में सर्वप्रथम तो हीरो एसोसिएशन एक मीटिंग होगी। वो मीटिंग में सब लोग बातचीत करेंगे कि कैसे होगा। हमने जो इंतजाम किए थे शहर को बचाने के लिए, वो सब कैसे हो गया। और जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर को मारा कैसे और इस तरह से कैसे मारा कि उसका कोई नामो निशान नहीं मिले। वो मर गया है कि जिंदा है, इसकी भी हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गारो को हम अपने मनुष्य चैन में रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। गारो को हमें मॉन्स्टर के चैन में डाल लेना चाहिए या फिर नहीं। इसमें से बचाने के लिए हमें एक व्यक्ति है जो है ब्लास्ट। मैं अभी ब्लास्ट को फोन करूँगा, लेकिन आगे ये जानकारी मिलती है कोई कि ब्लास्ट ने ये सब काम छोड़ दिया है। ब्लास्ट ये अब कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। ब्लास्ट ने निरुटी ले ली है कि वो अब हीरो का काम नहीं करे। आगे ऐसा पता चलता है कि नीटी लिंक के कोई ऐसा नाम का इंसान है, इसका बच्चा किडनैप हो गया है और अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करा। और इसका जो नौकर है या फिर जो सेनापति हो, वो कहता आप जो भी करेंगे वो हम करेंगे कि आपके बेटे को बचाने के हम कुछ भी करेंगे। आगे आती है हमारी छोटी, वो वहाँ मदद के लिए जा पहुँची है। वो मदद करने के तैयार है। और बाल सम्राट ढूंढ रहा है कि नीचे से कितने साइंटिफिक बचे हैं, जो मॉन्स्टर आए थे वो साइंटिफिक होते हैं। वो मॉन्स्टर कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं और कौन से इलाके में। वो बोलता है जैद सिटी में है, ऐसा उनका अनुमान है। वो बोलती है जैद सिटी में एक तो भुटिया शहर है। भुटिया शहर में कैसे बाद में वो नेटिव का नौकर बोले कि हमने वहाँ पर किसी को भेजा था, उसकी अभी हमारे पास कोई जानकारी है ही नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। हमारे कुछ कॉन्टेक्ट है और सब कुछ टूट गया है। बाद में मेंटल बैंक दिखता है, वो जैद सिटी में ही है। वो वहाँ से तहकीकात करने के पहुँचा, वहाँ देखता है बिल्डिंग का, ये देखता है किसी से बात चल रहा है, आपकी बात समझ में आ गई। बाद में वो कहता है वॉट, बाद में हमें दिखाया जाता है ए इसके पीछे खड़ा हुआ क्या, इसके पीछे का हमें आपका पूरा भरोसा है। सिरोनामी के हूँ नाम से, इसका नाम क्या। वो बातचीत कर रहा है अपने चेलों के साथ और थोड़ा खेद व्यक्त किया कि इसकी ऐसी खबर में इसको मॉन्स्टर के एसोसिएशन के क्या मिला है इसे भी कोई जानकारी नहीं। बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते और नंबर वन रैंक के पास जाते हैं। वहाँ पर जाते थोड़ी बातचीत करते ऐसा पता चलता है कि वो भी अभी के तैयार है, क्योंकि सभी लोग इस पर शक कर रहे हैं कि सच में A1 नंबर 1 कनेक्टर है कि है ही नहीं, क्योंकि उसकी ताकत में सभी लोग अभी से शक करने लगे हैं। कहता मैं जहाँ शो कर रहा था वहाँ पे आके मॉन्स्टर ने वो शो को बेकार बना दिया, इसलिए मैं मॉन्स्टर को मारने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको जो भी करना पड़ेगा करूँगा। वो बोलता है आप तुम मुझसे कमज़ोर हो। अब देखा जाता है हमारा कैडी वो जेल में वहाँ पर कुछ ऐसा बना है कि एक बिल्ली नाम का मॉन्स्टर है, तो सबको कैडियो को मारता है और बिल्ली में रूपांतर करता है और वहाँ से लेके चला जाता है। इस बार ढूंढ रहे हैं और आगे हमें वो दिखाया जाता है कि बाल सम्राट जिसे ढूंढ रहे वो इसे मिल गया और जो इसे बंधक बना के रखा है उसे कहता है मुझे कब तक बंधक बना के रखे, मुझे कुछ अभी ब्रेकफास्ट होता है, मगर ब्रेकफास्ट की करने। बाद में पता चलता है जो ढूंढ रहा था उसे मिला नहीं, जो मेटल की नेट होता है वो उसका टुकड़े मिलते हैं उससे वहाँ पे। वो थोड़ा गुस्से में होता है और कहता है किसने किया और कैसे किया।
और नीचे जमीन में भूतड़ी में ही धुंध रहा था। आगे हमें एवं दिखाया जाता है कि कोई कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की। ऐसा है, मॉन्स्टर सब एक जगह पर भेगे हो रहे हैं और कुछ ऐसा करने वाले हैं। आगे हमें दिखाया जाता है फुलकुनी, इसका नाम भी थोड़ा अजीब है, ये सेक्सी है। वो अपनी बहन की मदद करना चाहती है और मदद के लिए चैतामा के पास जाने वाली। चैतामा के घर पर जाकर बेल मारती है। बेल मारने के बाद सिल्वर फैन का भाई डोर खोलता है। डोर खोलता है कि तू चैतामा की छोटी फैन है यार, तो अंदर आ जा। जैसे ही वो अंदर एंटर होती है, वो देखती है कि वहाँ पे किंग जेनोस है। सब लोग वहाँ पे थोड़े हैरान रह जाए, ये सब एस क्लास में वाले सब यहाँ पर क्या कर, पहले तो सिर्फ किंग था, अब तो सिल्वर फैन भी है, क्या कर। सेतामा गेम खेल रहा है तो 70 लेवल पर है और किंग को एडवांस, किंग के पास एडवांस मांगे क्योंकि कैसे वहाँ से वहाँ गए, ये तो घटिया गेम है। इस गेम का जो मोस्टर है वो सबसे बड़ा घटिया है, अपने क्या को सिल्वर फैन कहता है। मैं वहाँ पर लड़ाई कर रहा था और लड़ाई में मैं काफ़ी शक्ति हो गया, तो सेतामा ने मुझे कहा मैं यहाँ पर मैं आराम कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, ऐसा फुल गुरिंग कहता। अब वो लड़ वो अब काफ़ी हैरान परेशान हो जाती, क्या करूँ क्या नहीं बोल के रहा था, और जो ऐसे हैरान परेशान गुस्सा में हो जाती। इट इज इमरजेंसी टाइम है, और आप लोग गेम खेलने में से ऐसा कुछ आराम करने से मुझे नहीं आता क्या कर। तो सिल्वर फैन के दम मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पर फाइटिंग करके आया, थक गया हूँ और बहुत थक गया, इसलिए आराम कर, इतना आराम बनता ही ऐसा कि कहने से आराम करने लगता है। और इसका भाई ब्लॉग भी वहीं कहता, वो फिर से गुस्सा हो जाती, व्हाट इमरजेंसी टाइम है, हमें कुछ करना होगा, हीरो ऐसे में एक एक टीम है जो हमें कुछ करना यहाँ। तो सेतामा कहता मैं कुछ भी करूँ इसका क्या जाता है। सेतामा उसे कहता तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो, तो कहती है इधर आओ हम से बातचीत करते हैं। सेतामा कहता जेनोस तू तो इसके बारे में तू जाकर बता देना। तो जेनोस उसे बता दे मैं वहाँ पर लड़ाई करके मेरे सर के अंदर सब यंत्र पंजर टूट गए, मुझे समर काम चाहिए, तो डॉक्टर ने आएगा वो मेरा काम करेगा, ऐसा वैसा कह रहा था। बाद में सिल्वर फैन कहता है गायों को हमें वहीं पे रोकना चाहिए था, जो गायों अभी जो मॉन्स्टर साइड में जुट गया तो हमारे सभी के लिए विनाशकारी होगा, गायों को हमें अपने तरफ लाना होगा या फिर गायों को हमें कुछ ना कुछ करना होगा। सिल्वर फैन का भाई कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना, तुम सच कह रहे हो गारो, एक काफ़ी अच्छा एक सिल्वर फैंग लड़ा, सभी लोग उसे पसंद करते, और तुम हमारा वो आखिरी मौका था गारो को पकड़ने का। किंग उसे कह रहा है सेतामा तुम जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो बंदा उस जगह पे था, क्या तुम कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहते। बंदी कहती है, बंदी बोल रही है तुम लोग क्या करो क्या क्या नहीं करो मेरी समझ से सब कुछ बाहर है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सेतामा साला गंजा हूँ मैं, टोपी पहनता हूँ इसलिए तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे, आई एम द बास्टर्ड बोलकर जो अपना सूट पहनता है। और जनस उससे पूछता है मास्टर क्या आपको मॉन्स्टर कहाँ है पता चल गया। सेतामा कहता अभी तो नहीं, सेतामा सोच रहा है कि उसने मुझसे फाइटिंग क्यों नहीं, वो मैं रुका क्यों नहीं, मैं क्या टोपी पहनता हूँ इसलिए मुझसे फाइटिंग नहीं की। बंडी सोच रही है कि
मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आओगे, सीतामा से बात करोगे, सीतामा को मना लोगे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जिसका बच्चा कितना हो गया वो हीरो एसोसिएशन को बहुत गाले दे रहा है, जो अपनी एक टीम बनाई है वो नी डिफेंस की निजी टीम है ऐसा बोला, और तुम लोग को जो सूट दिया है वो सूट बहुत कीमती है, उसके समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी सूट में ताकत है। आप जब मेरे बेटे को बचा के वापस आओगे तब मैं आपको इतने पैसे दूंगी, इतने पैसे कि आपकी सातवीं पीढ़ी तक आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतने पैसे मैं आपको लूँगा, आप जाइए और मेरे बेटे को बचा के आइए, जाइए। थैंक यू गाइस, जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके, वेलकम।